ये देश की पहली पार्टी है। पिछले साल हमने इसका जॉइंट सेलिब्रेशन पहली बार स्टार्ट किया। वैसे संघ मेंबर्स जो हमारा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है उसको 2008 में जिस साल बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक हो रहे थे, सेम दिन हम देश में पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डे को बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने की शुरुआत की। ये बात और है कि आजकल लोग गली गली में भी मनाते हैं, मनाना चाहिए, पर कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन गलियों से नहीं होता, ये बात समझने की जरूरत है। जो लोग सोचते हैं कि गलियों से कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता निकलता है, मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का अंडरस्टैंडिंग उन लोगों को करेक्ट करना चाहिए। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग सब जानते ग्रेट है, इसलिए ग्रेट है ना केवल क्योंकि वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का, पर इसलिए ग्रेट है क्योंकि इंडिया की तमाम डाइवर्सिटीज, जिसमें जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज के साथ साथ कास्ट और कल्चर की डाइवर्सिटीज थी और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज भी थी, ये तमाम डाइवर्सिटीज को हार्मोनाइज कर एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट बनाने का जो है वो काम भारत के संविधान ने किया। और मैं समझता हूं इस मायने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेट है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 8-10 ऐसे प्रोविजंस है जो एक साथ आपको दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेंगे। कौन से वो प्रोविजंस है जो एक साथ दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको नहीं मिलेंगे? वो है 4 प्रिंसिपल्स जिसको प्रियम्बल में हमने प्रोक्लेम किया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी। इसके साथ बड़ा महत्वपूर्ण डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का सिद्धांत हमारे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, जिसका जिक्र अक्सर हम करना भूल जाते हैं क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की फिलॉसफी से आया हुआ है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फेडरलिज्म है, संघीय प्रणाली है, इसके साथ में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इंडिपेंडेंस ऑफ CAG है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का इंडिपेंडेंस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंडिपेंडेंस है। इसके साथ साथ में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्पेशल प्रोविजंस है SC ST के लिए, OBC के लिए, और मैं समझता हूं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स जो है वो 5th Schedule एंड 6th Schedule में लाने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है रिजर्वेशन के अलावा। तो यदि आप इन तमाम चीजों को यदि मिला लेते हैं, ये 8-10 तमाम चीजों को यदि आप मिला लेते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैं समझता हूं कि भारत हमारा बड़ा एंशियंट कंट्री है, प्री वैदिक इसकी हिस्ट्री है, इसकी हिस्ट्री वेदों से शुरुआत नहीं होती। जो लोग कहते हैं कि इसकी हिस्ट्री वेदों से शुरुआत होती है, मैं समझता हूं कि उनको कल्चर और हिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। भारत के कल्चर और हिस्ट्री की शुरुआत ये कम से कम 50,000 साल पहले से शुरू होती है। यहाँ के इंडिजिनियस नागवंशियों का, असुरों का DNA 73,000 साल पहले मिला है। यूडर्सफिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस DNA के रिपोर्ट को जब पब्लिश किया तो अभी ये प्रूव हो गया है कि आर्यन जो है 3,600 साल पहले देश में आए और 73,000 साल पहले से यहाँ पर नागवंशी और असुर लोग थे, जो बेसिकली 2 रेसेस की बात इंडिया में होती है, वो बेसिकली नागवंशियों का रेस है और दूसरा रेस जो बाद में आर्यन रेस आया। बिफोर द वेदास देयर वाज द श्रमण धम्म एंड श्रमण कल्चर इन इंडिया। लगभग 30,000-35,000 साल पहले भीमबेटका से लेके आदमगढ़ बगोर से लेके छावपानी मांडो से लेकर तो निवासा तक जितने भारत के अंदर के एंशियंट साइट्स है, 35,000 साल, 30,000 साल, 25,000 साल के अगर वो देखेंगे तो एक भी वैदिक नहीं है, वो सारे श्रमण धम्म और संस्कृति के साइट्स है। भारत ये बड़ा एंशियंट कंट्री है, एंशियंट रिलीजन यहाँ पर है जिसको हम श्रमणिज्म कहते हैं, श्रमण धम्म और श्रमण संस्कृति कहते हैं।
उसके वेरियस पार्ट्स है, उनका जिक्र मैं आज नहीं करूंगा क्योंकि मैं आज कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करूंगा, रिलीजन को छोड़ दूंगा आज के दिन, क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा हूं इसलिए रिलीजन पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। और मैं समझता हूं ये बात आपको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि राइट्स रिलीजन ने गारंटी नहीं किए दुनिया में, राइट्स जो है वो रिलीजन ने कभी गारंटी नहीं किए, चाहे जो भी रिलीजन्स रहे वो। रिलीजन्स में अच्छी बातें रही हो लेकिन राइट्स कभी रिलीजन ने गारंटी नहीं किया, कोई भी रिलीजन ने राइट्स गारंटी नहीं किया दुनिया में। पहला राइट्स का उल्लेख आता है 1529 में साइरस सिलेंडर, दैट इज अ वेरी एलिमेंट्री, भले ही आज हम उसके विषय में अगर सोचेंगे ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में सोचेंगे तो साइरस सिलेंडर जो है पर्शियन किंग ने जो डिक्लेयर किया था 1529 में, वो पहला जनरेशन था मिनिमम राइट्स का। वहां से लेके सबसे मेजर राइट्स का यदि डिक्लेरेशन है तो मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा के बाद में कॉमन लॉ में हेबस कॉर्पस का राइट्स है, उसके बाद में ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स है जो 1689 में आया, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के 100 साल पहले ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स आया। हम सब जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, राइट्स ऑफ मैन्स एंड सिटीजन्स डिक्लेयर हुए 1789 में, 1776 में वर्जीनिया बिल ऑफ राइट्स है। मैं आपको बाबा साहब के पहले की हिस्ट्री बता रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि बाबा साहब की हिस्ट्री तो आप बहुत पढ़ चुके हो, मैं उसके पहले की हिस्ट्री बता रहा हूं आप लोग। वर्जीनिया बिल ऑफ राइट्स 1776 का है, उसके बाद में अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स है 1787 का, उसके बाद 1789 का फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन्स एंड सिटीजन्स है। 1689 तक कॉमन लॉ का ट्रेडिशन के राइट्स है, जिसका फाइनल वर्जन है ब्रिटिश जो है बिल ऑफ राइट्स 1689 मैग्ना कार्टा के 1215 के बाद। यदि प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन दुनिया में नहीं होता, एज ऑफ एनलाइटनमेंट नहीं आता, अगर साइंटिस्ट लोगों ने चर्च को क्वेश्चन नहीं किया होता, तो आज हम यहां पर डेमोक्रेसी के एरा में नहीं बैठे होते। इसलिए जहां राइट्स की हिस्ट्री ओरिजिनेट हुई है विजय मानकर कोई पढ़ाई है वो सत्य बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, और जिनकी पढ़ाई नहीं है वो लोग जाके पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ग्रेट है क्योंकि भारत का संविधान केवल लेंथियस नहीं है कि उसमें ये प्रोविजंस है जो 8-10 प्रोविजंस का मैं जिक्र बार बार कह रहा हूं, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट इज द वेलफेयर स्टेट सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फेडरलिज्म और उसके साथ साथ रिजर्वेशन और रिजर्वेशन के अलावा फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में। और ये लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन सबसे शॉर्ट पीरियड में बना है, सबसे लंबा संविधान है सबसे कम समय में बना। कितना समय लगा? ड्राफ्टिंग कमिटी टुक ओनली 121 डेज, ड्राफ्टिंग कमिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 महीना और 17 दिन लिया, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी ने केवल 121 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया। वो तो संविधान सभा की अपनी प्रोसीजर थी, उसके वजह से 2 साल 11 महीना और 17 दिन लगा। अदरवाइज बाबा साहब अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने केवल 4 महीने के अंदर आप मान लीजिए जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया 121 दिन। तो दुनिया का सबसे लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबसे शॉर्ट पीरियड में और सबसे बेस्ट फीचर्स के साथ आया, और इसके साथ 26 नवंबर को एक नया भारत निर्माण हुआ, 26 जनवरी को एक नया भारत निर्माण हुआ। वो भारत कभी भी नहीं था इंडिया में। हम बार बार कभी ब्रिटिश इंडिया की बात करते, कभी इस्लामिक इंडिया की बात करते, बुद्धिस्ट इंडिया की भी बात करते हैं, और वैदिक इंडिया की बात तो बहुत सारे लोग करते हैं,
उसके पहले भी एक इंडिया था जिसको मैं श्रमण इंडिया कहता हूं या मूल निवासी इंडिया कहता हूं, जिस इंडिया का नाम जम्मू द्वीप से पहले सिंगार द्वीप था, कोयामुरी द्वीप था। ये नागों की भूमि थी, लेकिन 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को एक नया भारत निर्माण हुआ। कौन सा भारत निर्माण हुआ जो कभी 35,000 साल 50,000 साल तक इंडियन हिस्ट्री में नहीं था? वो भारत निर्माण हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक इंडिया, संविधानिक भारत और लोकतांत्रिक भारत। और इसलिए लोग कहते हैं कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। मैं नहीं जानता गांधी जी किस राष्ट्र के पिता हैं, क्योंकि बाबा साहब ने 25 नवंबर को अपने फाइनल स्पीच में कहा था कि कास्ट आर एंटी नेशनल। और जहां तक मेरा रिसर्च है, अभी तक मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया। मैंने 550 पेज का बुक लिखा, पूना पैक्ट हिस्टोरिकल हार्म्स बाय गांधी, गांधीज्म एंड कांग्रेस एन इंक्वायरी। फॉरेन में वो बुक गया, इंडिया में भी गया, लेकिन अब तक किसी गांधीयन ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। मैं वेट कर रहा हूं कि कोई तो गांधीयन आएगा, विजय मानकर को रिप्लाई करेगा। जैसे डॉक्टर अंबेडकर को गांधी रिप्लाई नहीं कर पाए, उस तरह गांधीयन लोग आजकल अंबेडकराइट लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहे। ये भी एक हिस्ट्री रिपीट हो रही है बार बार जो है। तो जहां तक मेरा स्टडी, और मैंने प्रूफ किया है कि गांधी जी वॉज फॉर कास्ट एंड वर्णा सिस्टम, दैट इज माई डायरेक्ट चार्ज एंड आई प्रूवन दिस चार्ज इन माई बुक इन राइटिंग। अगर गांधीवादी लोगों को लगता है कि गांधी जी जाति के खिलाफ नहीं थे, सॉरी गांधी जाति को समाप्त करना चाहते थे, वर्ण को समाप्त करना चाहते थे, तो वो मुझे राइटिंग में रिप्लाई दे सकते हैं। मैं उस पर राइटिंग का रिप्लाई दूंगा। मैं ओपन नेशनल डिबेट के लिए तैयार हूं उनके साथ में। लेकिन गांधी जी किस राष्ट्र के पिता है, ये तो मैं नहीं जानता। मैं गांधी जी को रिस्पेक्ट करता हूं वहां तक जहां स्वतंत्रता आंदोलन का इशू है, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लीड किया, वहां तक मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन एनालिशन ऑफ कास्ट की जहां तक बात है, डेमोक्रेटिक इंडिया की जहां तक बात है, एनलाइटेंड इंडिया की जहां तक बात है, मैं गांधी जी को रिस्पेक्ट नहीं करता उस काम के लिए। तो गांधी जी किस राष्ट्र के पिता है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन संविधानिक और लोकतांत्रिक भारत के राष्ट्रपिता ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है। इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है।